एक कॉलेज में एक कॉलेज मुखालफत ज्यादा गर्म कॉलेज में मुझे रेस्टिकेट किया था ना फर्स्ट ईयर, तो मेरे वालिद साहब ने बड़ा प्लीड किया था उनको, तो मेरी लड़ाई हो गई थी वहां पर। मैं खोल देता हूं बात यहां पर, कोई मसला नाम ना लीजिएगा, नाम तो मैं कभी भी नहीं लूंगा, आई हैव नेवर टेकन नेम्स, इट्स नॉट माय मनहज टू टेक नेम्स। तो बड़ी बेइज्जती थी, बड़ा हिसाब किताब था। अल्लाह की एक सुन्नत है ये कि अल्लाह ने ये 360 घुमाएगा आप। सो इफ दैट हैपेंड इन 97 तो हुज़ैफा टुक मी टू दैट कॉलेज, उन्होंने अप्रोच किया कि हम इनका लेक्चर कराना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी गलती से तारीख के नामों से ऐसा मेरा नाम गायब हुआ, उन्हें खुद नहीं पता था कि उस कॉलेज के सबसे पहले रेस्टिकेट को वो एक मोटिवेशनल सेशन देने के लिए बुलवा रहा है। बैठ गए असरा पीछे बैठ गए। हुज़ैफा कब गए थे हम लोग? 18-19 में हम गए, तो मेरे ख्याल से 20 साल लगे मुझे। अब आप ये मत समझिएगा किसी बॉलीवुड मूवी की स्टोरी है, ये पीछे बैठा हुआ, तो वहां मैं लेक्चर दे रहा था, तो आई वॉज गिविंग माई लेक्चर एंड इन द मिडल ऑफ इट मुझे चढ़ी कि मैं करूँ बात, तंग करूँ इनको। तो कुछ पुराने दौर की बाकियात वहाँ मौजूद थी, टीचर्स थे वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे खोल दी बात। यकीन की बात करनी है ना तो ये यकीन देखो, इसी कॉलेज से मुझे रेस्टिकेट किया गया था कराची के अंदर, और आज यहीं पे खड़ा होकर इनको खुद नहीं पता, मुझे ही बुला लिया इन्होंने यहाँ पे लेक्चर देने के लिए। मैंने कहा तन्हाई भी ऐसी अपनाओ, खामोशियाँ भी ऐसी अपनाओ कि इतना वजूद तुम्हारा खत्म हो जाए कि तुम्हें बुलाते वक्त भी उन्हें याद ना हो कि यूसुफ जो है ना इस टाइम पर मिस्र का बादशाह बन चुका है। तो याद भी नहीं था उनको कि जब वो अनाज लेने के लिए आए थे, उनको ये नहीं पता था कि 20 साल पहले कीवी करनी सामने बैठी हुई है, और अब फाइनेंस मिनिस्टर है पूरे रीजन का, वो पूरे नॉर्दर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का किंग है, वो उसके हुक्म के ऊपर 50,000 इलाकों में गल्ला जाता है। तो जिसके साथ वो कुएं में की थी ना कभी, वो बैठा हुआ सामने, भूल जाता है। इतने भूल चुके थे कि जब वो प्याला पकड़ा गया तो कह दिया इसके तो भाई ने भी पहले चोरी की थी, इतने भूले हुए थे कि दैट्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो दिस इज हाउ इट इज, अल्लाह ताला हमेशा आपको उन बस्तियों में लेके जाएगा जहां से कभी ना आपने निकाला होगा, लेकिन वो आएगा। हाँ, और उस वक्त भी सुन्नत हमेशा बड़े लोगों की और अंबिया के लिए आपने ज़र्फ़ दिखाना है, यू हैव टू शो ग्रेस ओवर देयर कि नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह हम इज्जत करते हैं, तो हम भी आज किसी से भी मुलाकात होगी, पहले सबर दिखाकर एग्जिट ले लेना। अगर आपको लग रहा है कि पानी गुजर गया, अपनी जिंदगी की फुतूहात और अपना स्ट्रगल करते रहे, वो कुएं और वो बस्तियां जहां से आपका जीना तंग किया गया था वहां अल्लाह लेके जाएगा, आप नहीं जाएंगे वहां, वो अल्लाह की एक सुन्नत है, ये होगा। जिस घर से आप निकाले गए थे उस घर को अल्लाह आपको दिलवाएगा। Because sometimes, ये तो मैंने अभी देखा है, अभी सामने मेरे को लिखा हुआ आया था, कोई इंडियन एक्टर है, उसका बाप जिस होटल में जॉब करता था ना एज अ वेटर, उसने 3 होटल खरीदे हैं अभी वो। I just heard एक सामने मेरे लिखी हुई क्लिप वो आ गई, वो हेडिंग आ गई सामने। ये तो अल्लाह इंसान मुसलमानों की नहीं, इंसानियत के साथ अल्लाह का ये रवैया रहा है, ये सुन्नत रही है कि जिधर से आपको निकाला गया ना वही आपको एक दिन कहेंगे कि तुम खरीद लो, या वहां पर उनको ऐसे फंसाएंगे कि वो बिकेगा नहीं। तो एक घर से हमारे किसी बड़े को निकाला गया था, तो जब कराची के अंदर वहाँ हालात खराब हुए ना, तो वो घर बेचने के लिए वो तरसते थे, इतने बुरे हालात थे उस इलाके, वो घर नहीं बिकता था। तो कभी अल्लाह वहां पे ऐसा फंसाएगा आपको कि वो बस्ती अदाब बन जाएगी, या कभी कभी आपको उस बस्ती में आना लाजिम होगा, और ये हमेशा से हुआ। आप सल्लम के साथ आप देख लें मक्का आपको जा नसरुल्लाह वल फतह, सो दिस इज गोइंग टू हैपन, ऑब्वियसली। आप अपनी डगर पे चले, ठीक है, आप अपनी डगर पे चलें, आप चलें, और दुश्मनियां जो आपके साथ रही हैं मीनवाइल वो रहेंगी। अच्छा ये भी आप समझें कि ये जिन लोगों की भी चल रही है ये दायमी नहीं है, असल प्रॉब्लम वो है जो दायमी दुश्मन है आपका और वो इंसान नहीं है। द ग्रेटेस्ट राइवलरी शैतान है वो। ये सब बच्चे हैं, हाँ इनमें जो मिनल जिन्नती व नास है वो होंगे अपने, लेकिन असल दायमी दुश्मन आपका वो है जो कुफर पे खड़ा हुआ है, जो इबलीस है। ये तो आपसे इसलिए ऑफेंड हुए हैं क्योंकि या आपकी गलतियां हैं, या आपने इनसिक्योर कर दिया है, या आपने अल्फाज से इस्तेमाल नहीं किया, या आपने हैंडल ठीक नहीं किया, या उनके दिल का इतना कद नहीं था कि वो आपकी कमजोर हालतों में आपको एक्सेप्ट कर पाए। तो ये एक्सेप्टेबिलिटी इश्यूज की लड़ाई है। तो कहा था ना इसने अबू जहल ने कि भाई हमारी और बनु हाशिम की सदियों से चलती आ रही है, ये पीछे से 3 खानदान थे बड़े काब के, मेरे ख्याल से काब के थे, ये मैं नाम भूल गया इसका, काब नहीं था, ये 3 खानदान जो है ना बनी अब्दुद्दार बेटे हैं ना, ये बनी बनु मखज़ूम और बनी हाशिम, ये क्या कल्ब के ये की औलादे हैं ये सारी, ये पूरा जो शजरा है आपसे सब अदनान से लेके जो नीचे तक आ, तो लग गई आपस में, सदियों से चलती आ रही है इनकी, उसमें हाशिम भी हैं, अब्दुल मुत्तलिब भी हैं, ये सारा चलता आ रहा है वहां से। तो वो कहते हैं सारे प्रिविलेजेस के अंदर बनु अब्दुद्दार जो है वो बनु अब्दुद्दार की भी बड़ी लगती है इनसे। तो ये जो हजरे अस्वद का जो झगड़ा हुआ था,
एसी में था ना भाई, कि आसमान से अगर पत्थर आया तो भाई हमारा ट्राई फोन करेगा। सही, वो कह रहे भाई तुसी कितो, असी चौधरी असी करांगे। तो वहां से बनू मखजूम ने कहा आप दोनों खाते में नहीं, बनू मखजूम विल लीड। अब खालिद बिन वलीद बनू मखजूम है, अच्छा अबू जहल बनू मखजूम है, और ये आपके नबी सल्लम के सारे ताया अब्बास अबू तालिब, ये सारे बनू हाशिम है। फिर बनी अब्दुल दार के अंदर ये आते हैं आपके, बहरहाल मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो ये झगड़ा पड़ गया वहां पर, भाई सुबह जो सबसे पहले हरम में एंटर होगा वो सेटल कराएगा। तो वहां भी आप सल्लम की बड़ी शान है, आपने क्या आर्बिट्रेशन दिखाई है, चादर दी तीनों के हाथ में रखा, तीनों को हाथ लगवा दिया, तीनों बड़े हो गए। नाक का मसला था ना, तो उन्होंने यही कहा था ना भाई हर मसले के अंदर बनू हाशिम चौधरी है, हाजियों को सर्विस करने का जो बेड़ा जिसके पास होता है ना उसकी रिस्पेक्ट पूरे अरब में थी, बनू हाशिम। तो इस तरह उन्होंने कहा था भैया सब कुछ तो इनका चल रहा था, नबूवत इनको मिल जाए ये मेरी नाक नहीं पड़ती, दिस इज इट, वी कांट टेक इट। तो वो अब्दी दुश्मनी थी, बड़ी किड़ थी उनकी। सब बनी इसराइल की भी यही किड़ है, लेकिन डिफरेंट थोड़ा सी नौयत की थी। बनी इसराइल ने कहा, यहूदियों ने कहा, इन्होंने कहा क्योंकि हम हमेशा से डिप्राइव्ड है, अबू जहल की दुश्मनी की, हम हमेशा से डिप्राइव्ड रहे बनू मखजूम, तो अब हम कम से कम नबूवत के एस्पेक्ट के अंदर जो है ना बनू हाशिम को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बाकी बहुत कुछ बर्दाश्त किया हमने, ये नहीं हो सकता। इवन कि आप देखें कि जब अब्दुल मुत्तलिब ने वो मन्नत मांगी थी कि मैं एक बेटा कुर्बान करूंगा, वो सारे मामले के अंदर भी जो ना उधर भी देखें तो कोई बनू मखजूम का एक मामला आता है वो फिर वहां से डिसोरियंट होते हैं कि बनू हाशिम की बात हमेशा मानी जाती है, जमजम मिल रहा है वो तालिब को मिल रहा है। ये हाशिम जो लफ्ज है हाशिम से निकला, इट मींस जो सूप में ब्रेड को क्रम्स बना के आप डालते ना इस प्रोसेस को हाशमा कहते हैं आप। तो क्योंकि ही इंट्रोड्यूस सूप, अब सीरत का कोर्स कराए ना, सही तो कराएंगे सीरत, तो तुम लोग लॉन्च करो, हम पढ़ा देंगे इंशाल्लाह। तो हाशिम जो था वहां से हाशिम नाम हो गया इनका, वैसे तो इनका नाम मेरे ख्याल से शैबा था क्योंकि इनके कुछ बाल सफेद थे जो अब्दुल मुत्तलिब के वालिद थे। अब क्योंकि लोग जो है ना सीरत पढ़ाते हैं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मैदान में, नहीं नहीं आप सीरत अगर आप पढ़ेंगे तो हम देखिए, अगर हमने राज खोल दिया तो ये भी कॉपी हो जाएगा। हम पढ़ाएंगे सीरत इंशाल्लाह ताला, जहां से सीरत का हक है, और सीरत जो है ना वो मक्के से शुरू नहीं होती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत शुरू होती है बहुत कहीं दूर दराज के कई इलाकों से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा जुड़ता है, वहां से लेके आएंगे कहानी। ये पूरी जेनेटिक्स ऐसे नहीं आई, जिन्हें अहले बैत करने का शौक है तो हम शजरा आगे की तरफ ले जाने का तो शौक है, अच्छी बात है, शजरा पीछे भी लेके चलते हैं ना, कहाँ गया, तो पीछे से शजरा लेके आएंगे ना कि आप सल्लम की जात जो है वो कहाँ से जुड़ी हुई है पीछे से। तो बहरहाल इसको बात को मैं शॉर्ट डाउन करूंगा यहाँ पर। तो ये मैं वो नुक्ता भूल गया जो बनू हाशिम के साथ मेरा नाक का मसला था। बनी इसराइल का मसला ये था, नहीं देवर लाइट, वो कहते थे हम डिप्राइव्ड है तो इसको ये वाला प्रिविलेज नहीं खाने देंगे। सही, और वो अंडर प्रिविलेज थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनू हाशिम में पैदा होना उनके लिए बहुत ज्यादा ओवर प्रिविलेज हो गया। सही, और बनी इसराइल ओवर प्रिविलेज थे और उन्होंने कहा कि इतनी अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी में नबी आ जाए हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनकी तो डोमेन ही डिफरेंट थी। वो कहते ना वो चौड़े में हसद खा गए, नफरत थी उनको, तो इनको ये हमसे सवाल पूछने आते थे किताब क्या है, उसूल क्या है, फिका क्या है, अखलाक क्या है, इनका आदमी आके अब हमें बताएगा कि मूसा अलैहिस्सलाम की डॉक्ट्रिन में क्या लिखा हुआ है, अल्लाहू अकबर, और हमारी किताबों में जो फैब्रिकेशन हुई है ये पॉइंट कर रहे इलामानी, ये बताएगा कि हमारे उलमा गलत हैं, हमारा शजरा गलत है, हमारी किताबें गलत हैं, उसके उसूल फिक गलत है, इंजील उसूल इंजील जो लिखे हुए हैं कवायदुल इंजील गलत है, ये बताएंगे अब हम पे। तो आप डोमेन क्लेम कर दी ना वहां पर इनकी, बनी इसराइल पे वैसे होना चाहिए तो आप देख लो किड़ रही यहूदियों, लेकिन यहूदी मुशरिक और पेगम से ज्यादा खतरनाक था, उसने किड़ पाल के रखी, उसने इतनी किड़ पाल के रखी कि वो खैबर से डिफीट होने के बाद भी आप देख लें आज भी दुनिया में सर्वाइव किया उसने, उसने अपने मुख्तलिफ रूट्स लिए, वो अपनी डगर पे चलता रहा, उसने बर्दाश्त किया, उसने सबर किया, उसने मारे खाई, उसने मुख्तलिफ इस्लामी हुकूमतें देखी, और उसने कहीं 1500-1400 साल बाद जाके उसने स्टेट बना लिया अपना। मुशरिक जो था वो छोटा दुश्मन था तो वही मक्के में खत्म हो गया, उसके बाद कभी खड़ा नहीं हुआ, और ये अल्फाज कह के हिजाज के अंदर कभी भी गैरुल्लाह की इबादत नहीं हो सकती, तो हिजाज पाक हो गया, लेकिन यहूदियत जो थी वो क्योंकि पुराने मंजे हुए खानदानी दुश्मन थे, सही, वो चलते रहे, वो आज तक चलते आ रहे हैं, देख ले उन्होंने अपना कितने सालों के बाद जाके अपनी किड निकाली है, ये कितना बंदा शहीद कर दिया उन्होंने, तो डिपेंड्स ऑन द एनिमिटी, इनकी एनिमिटी बड़ी है, इनकी खार बड़ी है आपके साथ। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकअल्लाहु खैर।